दोस्तों तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दानव वाली स्टोरी के सारे राज खुल चुके हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, दानव कोई सी मुसीबत में फंस गया होगा जिस वजह से गोकुलधाम वासियों की मदद लेने उसकी पत्नी वहां पर आई थी। ऐसा ही कुछ हमने आज के एपिसोड में देखा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक नई स्टोरी की शुरुआत हो चुकी है रावण दहन की। तो दोस्तों मतलब अभी कुछ टाइम पहले गोकुलधाम सोसाइटी में नवरात्रि का पहला दिन ही चल रहा था, लेकिन दोस्तों अब सीधे ही दशमी आ चुकी है। दोस्तों इसका मतलब कि हमें गोकुलधाम सोसाइटी में नवरात्रि की और कोई सी भी स्टोरी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों हमें हर साल गोकुलधाम सोसाइटी में नवरात्रि में कोई सी स्टोरी देखने को मिलती है, लेकिन दोस्तों इस बार हमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इस बार नवरात्रि के पहले दिन के बाद ही विजयदशमी गोकुलधाम सोसाइटी में बना रहे हैं। दोस्तों ये तो काफी बैड न्यूज है कि हमें गोकुलधाम सोसाइटी में नवरात्रि की स्टोरी देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आपने एक बात नोटिस करी कि हमें जेठालाल भी गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं नजर आ रहा है। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि गोकुलधाम सोसाइटी में दशहरे वाली स्टोरी के बाद हमें जेठालाल के ऊपर कोई सी धमाकेदार स्टोरी देखने को मिले। पर दोस्तों ऐसा होता तो हमें काफी दिनों बाद जेठालाल के ऊपर भी स्टोरी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की ऐसे ही अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।